13 राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर यही है, बिग ब्रेकिंग यही है कि उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून ड्राफ्ट पेश कर दिया है। धामी ने कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। आज यूसीसी बिल पर चर्चा होगी, कल यूसीसी बिल विधानसभा से पास हो सकता है और जैसे ही विधानसभा से पास होगा तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि हालांकि यूनियन टेरिटरी की बात करें तो गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है, लेकिन राज्य के तौर पर उत्तराखंड पहला ऐसा देश का राज्य जहां पर यूसीसी लागू होगा। तो महत्वपूर्ण खबर, यूसीसी का विरोध कांग्रेस नहीं करेगी, इस तरह की जानकारी मिल रही है। समान कानून का बल जो है, कांग्रेस अब न्यूट्रल होती हुई नजर आ रही है। यूसीसी एक ऐसा विधान है जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार दिए जाते हैं। सिविल कोड अब उत्तराखंड के अंदर आ गया है, विधानसभा में पेश कर दिया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और यह माना जा रहा है कि 2024 में यूसीसी गेम चेंजर बनेगा। ऐसे में कांग्रेस की भूमिका यूसीसी को लेकर क्या रहेगी, क्या वो न्यूट्रल रहेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। और जैसे ही विधानसभा में पेश किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यूसीसी बिल, उस वक्त जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। आज काफी महत्वपूर्ण दिन उत्तराखंड के लिए है। तो उत्तराखंड से यूसीसी के आगाज पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उत्तराखंड सरकार के फैसले का स्वागत किया है, साथ ही उत्तराखंड सरकार को बधाई भी दी। न्यूज 18 से मंत्री दिलावर ने कहा कि यूसीसी पूरे देश में लागू होगा, देश में इसकी जरूरत है और राज्य में भी इसकी जरूरत है। एक ही संविधान तो नियम कानून भी सबके लिए समान होने चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी पारित होने जा रहा है, राजस्थान में क्या चल रहा है इसको लेकर के, आइए बात करते हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से। दिलावर साहब, क्या राजस्थान में भी यूसीसी लागू होगा? ये पूरे देश में लागू होगा और पूरे देश में आवश्यकता है तो राजस्थान में भी आवश्यकता है। उत्तराखंड सरकार का जो कदम है उसे आप किस तरह से देखते हैं? पहली सरकार है जिसने यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया। मैं उत्तराखंड सरकार को बधाई देना चाहता हूं, स्वागत करता हूं कि एक अच्छा कदम है। जरूरत क्यों है ऐसे दौर में जब चर्चाएं चल रही हैं, लोग ये कहते हैं कि बहुसंख्यकवाद हावी हो गया है और भारत के जो अल्पसंख्यक हैं उनको लेकर के तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं कुछ सेकुलर ताकतों की ओर से, तो ऐसी सूरत में यूसीसी का आना, उसका पारित होने की दिशा में आगे बढ़ना, आपको क्या लगता है? इस भारत माता के सभी पुत्र हैं, सभी समान हैं, तो सभी को समान दिखना भी चाहिए। आपको लगता है कि भेदभाव का माहौल है, किसी को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं तो किसी की सुनवाई तक नहीं होती, तो ऐसे में अगर यूसीसी लागू होगा तो सब को समान दृष्टि से देखा जाएगा, सबको समान यानी कि कानून नियम सब पर लागू होंगे? जब एक ही संविधान है हमारा तो सब पर समान कानून लागू होगा। बीजेपी के तो एजेंडे में भी रहा है, तो शुरुआत सिर्फ उत्तराखंड से क्यों हुई और बाकी के राज्यों में आपको अब लगता है कि अब जाके आगे बढ़ा जाएगा? मतलब एक स्टेट से शुरुआत होनी थी तो उत्तराखंड से, बीजेपी के रूलिंग स्टेट्स हैं, क्या आने वाले दिनों में सब जगह पर यूसीसी पर बहस होती दिखाई देगी, विधानसभा में ये पारित होते हुए दिखेंगे? मैं ये बताने के लिए सक्षम नहीं हूँ। जी जी जी, शुक्रिया। ये थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो कह रहे थे कि यूसीसी राजस्थान में भी लागू होगा, लेकिन कब लागू होगा ऐसा उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल हैल, न्यूज 18 जयपुर। तो उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होने को लेकर प्रदेश कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस पर अपनी संवेदनशील प्रतिक्रिया दी है, कहा कि राजस्थान में भी ऐसे बिल की बेहद जरूरत है। इस विषय में राज्य के मुख्यमंत्री से वो वार्ता करेंगे। उन्होंने ये बात सवाई माधोपुर में कही। दरअसल वो कृषि उपज मंडी पहुंचे हुए थे जहां उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं को सुना, जहां डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सभी समस्याओं के निदान का आश्वासन भी दिया। साथ ही कृषि उपज मंडी के पल्लेदारों ने भी किरोड़ीलाल मीणा का स्वागत किया। केंद्र में मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था जी,
और वो चर्चा में आता उससे पहले मैं चुनाव लड़के के कारण इस्तीफा दे आया। और उत्तराखंड में जो कॉमन सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है वो बहुत आवश्यक है, समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक देश एक कानून। और ये मैं आपने बात बहुत अच्छी मेरे ध्यान में लाई है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा कि अपने यहाँ भी ये लाया जाना चाहिए, क्योंकि अब हाल ही में विवाद हो रहा था हिजाब पे, अब हिजाब पहन के जाएँ ड्रेस कोड का पालन नहीं करें उसको सांप्रदायिक रंग दें, तो उस दृष्टि से यहाँ भी जरूरी है, मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अलवर से अगली खबर लेते हैं जहां पर बीजेपी की समन्वय बैठक का आयोजन हुआ। यह बैठक राजेंद्र राठौर की अध्यक्षता में हुई है। बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर की गई। राजेंद्र राठौर ने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने से विकास तेजी से हो रहा है, देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। बीजेपी महिला, किसान, गरीब, युवा वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए डबल इंजन की सरकार रफ्तार से काम कर रही है। राजेंद्र राठौर ने कहा कि इस समय वो राजस्थान की विधानसभा से बाहर हैं, लेकिन राजस्थान में विधानसभा में उनकी नाम की चर्चा होती रहती है। कौन कार्यकर्ता कौन सा चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, हम सब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहेगी ये हमारे आलाकमान तय करता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ पर इकाइयां तैयार है, हमारे पन्ना प्रमुख तक तैयार है, और आज इसीलिए हम इस समन्वय समिति की बैठक में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी मिशन 25 निश्चित तौर पर पुनः पूरा करेगी। सर लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिलेगा प्रधानमंत्री? स्पष्ट बहुमत नहीं, अति स्पष्ट बहुमत, इस बार 400 पार। जाटों के महापड़ाव की बात करते हैं। खबर जयपुर से आ रही है जहां पर जाट समाज के आरक्षण के मामले में आंदोलनकारी कल दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक जाम कर सकते हैं। संघर्ष समिति ने इस बारे में केंद्र और राज्य सरकार को चुनौती दी है। प्रदेश भर में जाट समाज के आरक्षण की मांग पर आंदोलन हो सकता है। चेतावनी में कहा गया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो कल रेलवे ट्रैक बाधित होगा, वहां पर जाम लगाया जाएगा। अभी तक केंद्र ने पत्र जारी नहीं किया है। देखो आंदोलन हम कर रहे हैं, अगर सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो निश्चित तौर पर जाट समाज ने कल 12 बजे अल्टीमेटम रेल रोकने का दे रखा है, रेल रोकेंगे। दूसरा अल्टीमेटम, चाहे हमको घर घर जैसे भिखारी भीख मांगता है, जाट समाज के युवाओं को घर घर जाके भीख मांगनी पड़े, बीजेपी के खिलाफ वोट की चोट करेंगे, ये तो हमारे हाथ में। पोखरण में आर्मी इंटेलिजेंस के सरहदी इलाके में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आर्मी ने एक संदिग्ध पाक जासूस को पकड़ा है। दरअसल 2014 में पाकिस्तानी नागरिक अपने परिवार के साथ टर्म वीजा पर भारत आया था, जो आर्मी कैंट एरिया में लेबर का काम कर रहा था। इस दौरान आरोपी को आर्मी रेंज में जांच के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़ा गया। उसके फोन पर पाक नंबर पर बात करने और सोशल मीडिया पर पाक से लोगों से वहां पर ऑडियो वीडियो कॉल करने के सबूत भी मिले हैं। पाकिस्तान के भावलपुर का रहने वाला आरोपी सुरक्षा एजेंसियों की अब जांच के दायरे में है, उससे पूछताछ हो रही है। पकड़े जाने से पहले भी आरोपी ने कुछ पाकिस्तानी नंबर्स पर बातचीत की। फिलहाल आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। राजधानी जयपुर के सांगानेर में बदमाशों ने आधी रात को एटीएम लूटने की कोशिश की। बदमाशों ने पिकअप पर तार बांधकर एटीएम को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी अलार्म बजने के बाद बदमाश भाग निकले और एटीएम में रखे 23 लाख रुपए बच गए। हालांकि फर्श से उखाड़ने की वजह से एटीएम टूटकर कई हिस्सों में वहां पर गिरा है। मौके पर पहुंची पुलिस और सीसीटीवी की मदद से अब आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। और अगली खबर लेते हैं जैसलमेर से, जहां पर मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में 23 जनवरी को चिंकारा हिरण शिकार मामले में वन विभाग की टीम ने दो शिकारियों को गिरफ्तार किया है। शिकारियों के पास से टोपीदार बंदूक और जीप को जब्त किया गया है। इसके साथ साथ दोनों शिकारियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। 23 जनवरी को दो शिकारियों की तरफ से एक चिंकारा हिरण का शिकार किया गया था, जिसकी रिपोर्ट दिनेश बिश्नोई ने दर्ज करवाने के बाद पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए बरियन खान और गड़े खान को गिरफ्तार किया गया। शिकार में इस्तेमाल हुई वाहन जीप और टोपीदार बंदूक को भी कब्जे में लिया गया है। दोनों मुलजिम गणे खान पुत्र अचार खान व
मरियाम का पुत्र अचार खां को कस्टडी में लिया गया है और इनके साथ ही इस शिकार प्रकरण में प्रयुक्त वाहन जीप RJ-19UA-3183 व एक टोपीदार बंदूक को जब्त कर कार्रवाई जारी है। आज मुजरिमों को मान्य न्यायालय में पेश कर रिमांड लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार अपने दर्शकों को हम महत्वपूर्ण खबरें दिखा रहे हैं और अगली खबर ले रहे हैं प्रतापगढ़ के धरियावाल से, जहां पर एक निजी बैंक में निवेशकों के करोड़ों रुपए धोखाधड़ी के यहां पर मामला सामने आया है। खुलासा होने के बाद निवेशकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद देर रात से बैंक के बाहर निवेशकों की भीड़ लग गई। पुलिस ने बैंक मैनेजर से पूछताछ की है, उसे डिटेन किया गया है। दूसरी ओर मौके पर पहुंचे बैंक के अधिकारियों ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है। दरअसल धरियावाल स्थित ICICI बैंक की शाखा में निवेशकों के खाते की बैलेंस शून्य हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अधिकारियों से पूछताछ शुरू की। हालांकि बैंक ने सभी निवेशकों को ना घबराने की सलाह दी है। तो बैंक में करोड़ों की धांधली का यह मामला सामने आया है। खुलासा होने पर निवेशकों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि निवेशकों को बैंक अधिकारी लगातार आश्वस्त कर रहे हैं। देर रात बैंक के बाहर निवेशकों की देखिए भीड़ भी लगी रही। मैनेजर को यहां पर डिटेन किया गया है और उससे पूछताछ पुलिस कर रही है। करौली सदर थाना इलाके में कंडोर गांव में पेट्रोल पंप पर उधार ऑयल ना देने के आरोप में कुछ बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। सेल्समैन के साथ मारपीट की गई। घटना में एक सेल्समैन चोटिल भी हुआ है। प्राथमिक उपचार के लिए उसे अस्पताल भेजा गया है। पेट्रोल पंप की घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने एक आरोपी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। रात के 2 बजे एक बाइक पर 3 युवक सवार होकर आए थे। पेट्रोल भरवाने के बाद मारपीट शुरू करने लगे। आरोपियों ने पेट्रोल डिस्पेंसिंग मशीन में भी तोड़फोड़ की है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है। अलवर जिले में जलदाय विभाग एक्शन मोड में आ गया है। रामगढ़ थाना इलाके में जलदाय विभाग ने 15 अवैध कनेक्शन काट दिए हैं। विभाग की कार्रवाई के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग का आरोप है कि ये लोग अवैध रूप से कनेक्शन कर पानी की बर्बादी कर रहे थे और इसके बाद जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग ने कस्बे में कई जगहों पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। माननीय मंत्री साहब के निर्देशन में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर जलदाय विभाग में अवैध जल संबंध काटे जा रहे हैं, जिसके तहत पिछले 5-6 दिनों में रामगढ़ कस्बे में कार्यवाही करते हुए 15 से 20 अवैध कनेक्शन काटे जा चुके हैं। अभी कार्यवाही जारी है, वर्तमान में टीम लगी हुई है साइट पर, और अगर कुछ लोग दोषी अगर पाए जाते हैं अवैध कनेक्शन के मामले में, तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, FIR दर्ज करवाई जाएगी। कितने कनेक्शन होंगे रामगढ़ कस्बे में अभी का? जब रामगढ़ कस्बे में कुल कनेक्शनों की संख्या 2000। और दौसा के बांदी कुई से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। निर्माण कार्य के दौरान विवाद के बाद पथराव की खबर है। वन कर्मियों पर लोगों ने पथराव किया है। वन सेवा में बाउंड्री वॉल को लेकर यह विवाद हुआ था। झगड़े में वन विभाग के 2 कर्मी घायल हुए हैं। निर्माण कार्य के दौरान लोगों ने पथराव किया है। 3 दिन पहले भी झड़प हुई थी। झड़प के बाद थाने में केस तक दर्ज हुआ। दोनों वन कर्मियों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है, जो चोटिल हुए हैं पथराव के दौरान। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 वन कर्मी जो चोटिल हुए, उनका इलाज चल रहा है। दौसा के बांदी कुई से खबर है, जहां पर निर्माण कार्य के दौरान विवाद के बाद पथराव हुआ है। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, वजह क्या रही, क्यों झड़प हो गई, लोगों ने क्यों पथराव किया? बिल्कुल, वन विभाग की ओर से वन जो क्षेत्र है वहां पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा था, 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा था। इसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश था। वो उस 4 दीवारी का निर्माण नहीं करने दे रहे थे और इसी बात को लेकर विवाद हुआ। जैसे ही वन कर्मियों ने 4 दीवारी का निर्माण कार्य आज चालू किया, तो वो लोगों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में जो फॉरेस्टर महेंद्र गुर्जर और एक वन रक्षक पिंकी जांगिड़, दोनों घायल हुए हैं। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांदी
जलपाईगुड़ी शहर का ये पूरा घटनाक्रम है। सत्यनगर एक इलाका है, यहाँ का ये पूरा घटनाक्रम है। फिलहाल अब बांदीगुड़ी थाने में 3 दिन पहले भी शिकायत वन कर्मियों ने दी थी कि जो आसपास के जो लोग हैं वो चार दीवारी का निर्माण नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज जैसे ही उन्होंने चार दीवारी का काम चालू किया। ठीक है आशीष, अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एमपी के हरदा से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बगरदा रोड की फैक्ट्री में विस्फोट की खबर है, कई मजदूरों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर, और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई है, ये पटाखा फैक्ट्री जिसमें विस्फोट हुआ है। आग के गोले यहां पर नजर आ रहे हैं आपको, और पूरे आसमान को धुंध ने कवर कर लिया है। जबरदस्त ये विस्फोट, जबरदस्त ये धमाका पटाखा फैक्ट्री में हुआ है। अफरा तफरी का माहौल इस वक्त वहां पर बना हुआ है। बगरदा रोड के फैक्ट्री में विस्फोट की जानकारी मिल रही है, और इस विस्फोट में कई मजदूर भी घायल हुए हैं। एमपी का ये हरदा जहां पर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की जानकारी मिल रही है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से आग के गोले आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल ये विस्फोट की तस्वीरें हैं, ये पटाखा फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में अचानक ये विस्फोट हुआ जिसमें कई मजदूर जो अंदर फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो भी घायल हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल आप देख सकते हैं, वहां पर लोग जो है भागते हुए पैदल नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट जो वहां पर व्हीकल्स हैं यानी कि बाइक हैं वो भी वहां से अपनी जान बचाते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, मजदूरों को वहां से निकाला गया है। कई मजदूर इस विस्फोट में घायल हैं। पटाखा ये फैक्ट्री हरदा में जहां पर विस्फोट की जानकारी मिल रही है। आसपास का ये पूरा इलाका आवाज से थर्रा उठा, गूंज उठा। आप देख सकते हैं विस्फोट की इतनी जबरदस्त ये आवाज। दरअसल पटाखा फैक्ट्री है और यहां पर ब्लास्ट हुआ है, कई मजदूर यहां पर घायल हुए। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कितना विस्फोट ये भयानक था, जबरदस्त था कि इसकी जो आवाज थी वो आसपास के इलाकों में सुनाई दी है। फैक्ट्री में ये धमाका हुआ है और ऐसे में अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। घायल जो मजदूर हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, घायलों को निकाला गया है फैक्ट्री से बाहर, अस्पताल में पहुंचाया गया है। मगरदा रोड पर ये फैक्ट्री जहां पर विस्फोट हुआ, पटाखे की फैक्ट्री, और लिहाजा विस्फोट इतना जबरदस्त था कि वहां मौजूद लोग घायल हुए और उसकी जो आवाज थी ब्लास्ट की वो दूर दूर तक सुनाई थी। पूरा इलाका उसकी आवाज से थरा उठा और जो आसमान था वो देखिए किस तरीके से काले धुएं से भर गया है। जैसलमेर जिले के नेहराई रेंज में वन्यजीवों के शिकार को लेकर 4th दिन भी वन प्रेमी धरने पर बैठे हैं। दरअसल वन्यजीव शिकारी को लेकर जो घटना सामने आई थी उसके वीडियो फोटो होने के बावजूद भी 13 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। घटना में वन प्रेमी ने वन कर्मियों की मिलीभगत का आरोप भी लगाया और शिकार की घटना में शामिल वन कर्मियों को जान से मारने की धमकियां देने का आरोप भी लगाया है। वन प्रेमियों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी धरना खत्म नहीं होगा। रेंज में वन्य जीव शिकार की घटना को लेकर के आज धरना जारी है और वन विभाग द्वारा इस शिकार की घटना को लेकर के ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे, जिसमें एक बड़े गिरोह का शामिल होना पाया जा रहा है और वन विभाग का कर्मचारी भी इस शिकार की घटना में शामिल है। जैसलमेर के नेहरी क्षेत्र में 23 तारीख को शाम को घटना हुई थी इन्हें शिकार का। अभी तक भी कोई अधिकारी कुछ सुध-बुध लेने के लिए नहीं आते हैं और एक उनका कर्मचारी भी उसके अंदर लिपित है, उसको भी ना तो उसको सस्पेंड किया, कहते सस्पेंड कर दिया, करा कुछ नहीं अभी तक, ना ही उसके ठोस कोई कार्रवाई कर रहे हैं। और दिनेश कुमार को बार बार धमकियां भी मिल रही है, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जैसलमेर से खबर है जहां पर पूनम भाटी के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने और एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनने पर लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया है।
इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता तारिन सिंह और कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें पूनम भाटी सहित 10 स्वयंसेविकाओं ने 25 दिन तक दिल्ली में परेड का अभ्यास किया। एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि इस परेड का हिस्सा बनना गर्व का विषय है। बहुत अच्छा अनुभव रहा। एनएसएस वॉलंटियर होने के नाते कभी सोचा नहीं था कि कर्तव्य पथ पर भी परेड करने का अवसर मिलेगा, और मैं भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि मुझे ये अवसर मिला। और हम मैं गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति जी के सामने परेड करते हैं। विशेष रूप से यही कि जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहाँ तो हम सोच भी नहीं सकते कि कभी गणतंत्र दिवस पे दिल्ली तक जाएंगे, एक महीने का शिविर भी अटेंड करेंगे। तो अपने क्षेत्र से आगे नए क्षेत्र में जाना, नई नई चीजें देखना, नए लोगों से मिलना, तो ये सारी जीवन के नए अनुभव की चीजें, और बहुत अच्छा लगा सबसे। अगली खबर अनूपगढ़ से है, जहां पर एक किसान के खेत से करीब 35 करोड़ के हेरोइन जब्त की गई है। किसान के खेत में यह हेरोइन लावारिस हालत में मिली, 6 पैकेट में रखी मिली है। 4 किलो 900 ग्राम हेरोइन है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आपको बताएं तो इसकी कीमत करोड़ों में आकी जा रही है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक खेत में लावारिस हालत में हेरोइन मिली है। संभावना जताई जा रही है कि सीमा पर पाकिस्तान में बैठे मादक पदार्थ हेरोइन के तस्करों की तरफ से ही ड्रोन के जरिए हेरोइन के ये 6 पैकेट ड्रॉप किए गए हों। 44 PS रोई के पास पहुंचे और वहां तलाशी ली तो 2 पैकेट वहां मिले। तो उन 2 पैकेट का हमने यानी BSF के अधिकारी भी आ गए थे, उनका वजन कराया तो लगभग 5 किलो है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी उसकी कीमत 30-35 करोड़ के आसपास है। तो सर ये क्या संभावना व्यक्त की जा रही है, किस तरह से हेरोइन यहाँ पहुंची है? मतलब दरअसल के बॉर्डर इलाके में जितने भी हेरोइन के जो केस हो रहे हैं वो ड्रोन ड्रॉपिंग है, तो ड्रोन से जब यानी ड्रॉप करके चले जाते हैं ना। और अगली खबर है श्रीगंगानगर से, जहां इस बार लगभग 4 हेक्टेयर में गाजर की बुआई की गई है और प्रति बीघा 70 से 100 क्विंटल गाजर का उत्पादन हो रहा है। साधुवाली में 50,000 क्विंटल गाजर की प्रतिदिन आवक हो रही है और स्थानीय गाजर उत्पादक साफ तौर पर कह रहे हैं कि साधुवाली में नहर किनारे हमने गाजर धुलाई की मशीन भी लगा रखी है ताकि यहां से पूरे देश में सप्लाई किए जाने के लिए गाजर को साफ तरीके से भेजा जा सके। हालांकि श्रीगंगानगर के साधुवाली में गाजर मंडी खोले जाने की मांग भी काफी पुरानी है। स्थानीय गाजर उत्पादक किसानों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी और राजस्थान से बाहर से आने वाले व्यापारी भी गाजर मंडी खोले जाने की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ की गंगानगरी किसानों के लिए बहुत अधिक फायदे का सौदा है। इसका दिन प्रतिदिन जो है एरिया बढ़ता जा रहा है, यही इसका गोतक है। क्योंकि सबसे पहले जब ये लगभग 700 हेक्टेयर एरिया में ही उगाई जा रही थी, जहां आज इसका जो एरिया है लगभग 4,500 हेक्टेयर तक पहुंच गया है और उत्पादन की बात करें तो 1.5 लाख मैट्रिक टन उत्पादन यहाँ हुआ है। तो जिस तरह से किन्नू, गंगानगरी किन्नू के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से हमारी जो गाजर है यहाँ की वो भी गंगानगरी गाजर के नाम से बिकने लगी है और इसका लाल सुर्ख रंग और इसकी जो क्वालिटी, रस की क्वांटिटी और क्वालिटी और मीठापन वो इसकी खासियत है। प्रतापगढ़ में एनडीआरएफ की टीम ने जाखम बांध पहुंचकर भौतिक निरीक्षण किया है। इस दौरान बांध के आसपास वाले रिस्क एरिया को भी चिन्हित किया गया है। एनडीआरएफ की टीम छात्रों और पुलिस के जवानों को आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए जागरूक भी कर रही है। कलेक्ट्रेट ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही एनडीआरएफ की 6ठी बटालियन इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जिले के आपदा वाले इलाकों का निरीक्षण कर रही है। और बिग ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार। मस्ती रही।